चाट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैंने बनाई है यहाँ पे चाट पापड़ी और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड चलो शुरू करेंगे हम अपनी चाट पापड़ी बनाने की रेसिपी। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए हम डो लगाएंगे, तो उसके लिए लूंगी मैं यहाँ पे 2 कप मैदा। और आधा कप सूजी। सूजी से जो है हमारी जो पापड़ी बनेगी वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं क्रश की हुई है अजवाइन। इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दूँगी और नमक। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं अब घी। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने ये मोइन डाला है इसको आटे में अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे पहले। ये मोइन जो है ये पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अभी देखिए ये मेरा मोइन अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। और जब मैं मुट्ठी ऐसे बना रही हूँ तो ये देखो पूरा ऐसे बन रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं हाथ में लूँगी यहाँ पे ऐसे, और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा डो लग के यहाँ पे रेडी हो गया है। और इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, इसको थोड़ा सख्ती रखना है। तो अभी यहाँ पे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आधा घंटा हो गया है और ये देखिए हमारा आटा भी यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको आटे को अच्छा सा एक बार से सेट कर लेंगे। अब इसमें से हम आटे में से ऐसे बड़ी बड़ी 2-3 लोइयां बनाएंगे। इसको आटे को ऐसे डिवाइड करेंगे। ये मैंने ऐसे लोइयां बना ली है। अब इसमें से एक लोई लेंगे और उसको हम यहाँ पे बेलेंगे। आप इसके नीचे थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं या हल्का सा ऐसे ऑयल लगा के इसको हम यहाँ पे बेल लेंगे। मैंने एक चपाती बना ली है। अब एक फोक की हेल्प से इसको ऐसे यहाँ पे सारे में छेद बना लेंगे जिससे जो है हमारे पापड़ी वो फूले नहीं। और इसको यहाँ पे मेरे पास ये एक ढक्कन है, इसको कट कर लेंगे। ये मैंने सारे ऐसे बना लिए है। अब हम इनको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डो है हमारा वो हम यहाँ से हटा लेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो हमने पापड़ी बनाई है ये हल्की सी मोटी है तो आप एक बार इन पे बेलन की हेल्प से ऐसे कर लेना। हम अपनी सारी पापड़ी ऐसे बना के रेडी कर लेंगे। यह कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपनी जो पापड़ी बनाई है वो इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इनको अच्छे से सिकने देंगे। और हमने अब यहाँ पे बहुत सारे डाल दिए हैं। आप दो दो चार चार नहीं डालना, ढेर सारी एक साथ में डाल सकते हैं। और इनको भी हम यहाँ पे सिकने देंगे अच्छे से। ये एक साइड से सिक गए हैं, अब हम इनको पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अब हम इनको यहाँ पर पलट लेंगे और इनको अलट पलट के दोनों साइड से अच्छा ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे। तो ये पापड़ी अच्छे से सिक गई है, मैंने इनको दोनों साइड से अलट पलट करके सेक लिया है। अब हम इनको यहाँ पे निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस के साथ हम अपनी सारी जो पापड़ी है ऐसे सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सारी पापड़ी बना के रेडी कर ली है। और ये पापड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है देखिए। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने ऐसे पापड़ी अपनी प्लेट के अंदर रख ली है। अब इस पे डालूंगी मैं दही। और यहाँ पे मैंने फ्रेश दही लिया बिल्कुल मीठा। तो
इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसके अंदर हम इसको दही को ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ी सी ये हरी चटनी। और अब डालूंगी मैं इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके अंदर डालेंगे हम, मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू लिया है, इसको कट कर लिया है। और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूंगी इसके ऊपर मैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा सा चाट मसाला। और अब इसके ऊपर डालूंगी मैं ये, मैं यहाँ पे मैंने जीरा लिया है भुना हुआ, और इसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे रेडी है हमारी चाट पापड़ी।